इन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्स और आज की रेस्क्यू कॉल है बस्ती जिला के जटोलिया गांव से। मौका पे हम पहुंच चुके हैं। इन सर जी का कहना है कि यहां पे गन्ने के खेत में रसल सवाई पर सांप दिखा हुआ है, उसे रेस्क्यू करने के लिए हम मौका पे पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कहां पे स्नैक छिपा हुआ है। चलिए सर बताइए कहां पे है। बहुत दूर गए यार वहां। हां गए तो चलो हम लोग चलिए ना। चलो चलो भैया। हाँ हाँ राम का भाव भैया वही रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन रसल सवाई पर स्नेक छिपा हुआ गन्ना खेत में। हमारे किसान भाई लोग घास काटने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे स्नेक को देखे और हमें सूचना दी। मौका पर हम पहुँच चुके हैं। आई श्री आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन रसल स्वाइपर स्नेक यहाँ पे छिपा हुआ गन्ने में। काफी तंदुरुस्त है ये, कोई लंबा शिकार ले चुका है। इंडियन रसल स्वाइपर आप देख रहे हैं कैसे काटा है। 120 टन आप देखिए यहाँ पे 20 छोड़ चुका है। ये था अधिकार कहाँ था? नहीं, इंडियन रसल स्वाइपर इसने आप देखिए कैसे वाइट कर रहा है, कैसे काट रहा है। आप इसके हमले को देख सकते हैं। बहुत तेज हमला था। अच्छा, इसके अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। काफी खतरनाक होता है। अगर ये हाथ में पैर में वाइट कर ले तो सूजन आ जाती है, मांस गैंगरिंग होने लगता है और पूरा पैर में सड़न आ जाती है। और अगर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंचा जाए तो हाथ या पैर को काटना पड़ सकता है। ये काफी खतरनाक सांप है और यहाँ गन्ने के खेत में छिपा था। और ये इसने प्रायः बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते, एक बार में कम से कम 420 बच्चे को जन्म देते हैं। और इनके बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि पैदा होते ही अगर किसी को वाइट ले लें तो उसकी जान आफत में पड़ सकती है।
और भाई साहब ने हमें सूचना दिया, हम रेस्क्यू के वैसे पैक करते हैं तो उनके प्राकृतिक परिवेश में नेचर में रिलीज कर देंगे, जहाँ पर अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेंगे। यहाँ पर रहना इंसानों के लिए खतरा बना रहता है और इनके लिए भी। यह सब काफी देर से आप देख रहे हैं बेहद खतरनाक, और अपनी सेफ्टी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही अपने शरीर के ऊपर अपने सर को रख के और हमला करने की फिराक में रहते हैं। आप देख रहे हैं वाइट लेने के चक्कर में, आप इसके साउंड को सुन सकते हैं, बेहद खतरनाक। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये कुंडली मार के अपने सर को अपने शरीर के ऊपर रख लेते हैं और ये वाइट करने की चक्कर मोड़ में रहते हैं। आप देख रहे हैं ये कुंडली मार के इसे खतरा महसूस हो रहा है और ये अपने शरीर को इकट्ठा करते हुए और अपने मुख को ऊपर रखते हैं ताकि ये आसानी से हमला कर सके। ऐसा करने पर अपने आप को सेफ्टी समझते हैं और आप देख रहे हैं कि कुंडली मार चुका है। भारत का सबसे खतरनाक स्नेक इंडियन रसल सवाइपर स्नेक जहर चंदा स्नेक है और अनेक राज्यों में अनेकों नाम से लोग जानते हैं, पर हमारे यहाँ गोंडावासी इन्हें जहर चंदा नाम से जानते हैं क्योंकि इनके शरीर के ऊपर आप देख रहे हैं गोल गोल काला काला छाप बना हुआ है। किंतु ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन ये काफ़ी जहरीले होते हैं और ये प्राय 8 कलर में पाए जाते हैं, कभी भद्दा कलर में होते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी गाढ़े कलर में है, इसके जो गोल गोल निशान हैं काफ़ी काले काले, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये अजगर है, ये अजगर नहीं है, इंडियन रसल स्वाइपर अजगर जहरीले नहीं होती, किंतु ये भारत का मोस्ट विनमस सबसे खतरनाक स्नेक है कि जो इंसान को वाइट कर लेता है तो हाथ पैर काटना पड़ सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये जटौलिया गांव, बस्ती जिला के जटौलिया गांव राम प्रसाद वर्मा के खेत में छिपा हुआ था। हमारे किसान भाई वहां पे घास काटने के लिए गए हुए थे और ये स्नेक वहां पे दिखा हुआ था और लोगों ने हमें सूचना दिया, हम मौका पे पहुंचे इस स्नेक को रेस्क्यू किए, क्योंकि वहां पे अगर रहता तो लोगों को काफ़ी खतरा था क्योंकि किसान लोग खेत में हमेशा जाया करते हैं घास काटने के लिए, चारे के चक्कर में खाद डालने के लिए खेत में, और ये वहाँ पे ज़रूर किसी को वाइट ले लेता, काट लेता। और हमें लोगों ने सूचना दिया, हम इन्हें रेस्क्यू किया और इन्हें हम प्राकृतिक परिवेश में फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये कितने आक्रामक, कितने ख़तरनाक होते हैं। और जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो इसे कुंडली मार के बैठ जाते हैं और डराने का प्रयास करते हैं कि सावधान हो जाइए, अब आप हमारे करीब ना आइए। ये चोरी से किसी को वाइट नहीं लेते, जब भी ये वाइट लेते हैं साउंड देते हैं या पैर पड़ता है तो वैसे ही वाइट ले लेते हैं। फिलहाल ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, इनके अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि इंसान को वाइट ले लेते हैं तो मांस सड़ने लगता है, गलने लगता है, पीच भरने लगता है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं गए तो इंसान की मौत भी हो जाती है। और ये जहरीले सांपों में से एक हैं। हमें इन्हें परेशान करने का मकसद नहीं है, हम आपसे इनका भली भांति परिचय करा रहे हैं। आप इनके साउंड को सुन लीजिए कि अगर खेत में इन्हें किसी जानवर से इनका भिड़ंत होता है तब ये साउंड देते हैं। आप खेत के बाहर हैं, आपको ऐसी आवाज़ मिले तो आप पहचान जाइए कि आपके खेत में इंडियन रसल स्वाइपर नाम का सांप है और सावधान हो जाइए।
और फिर करीब से इसे देख लीजिए जाके कि ये कैसा स्नेक है। फिलहाल इससे काफ़ी दूरी बनाए रखिएगा, कम से कम इसे देखने के बाद आप 10 हाथ की दूरी रखिए, क्योंकि ये छलांग मार के भी काटता है और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। आप इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है और यहाँ पे अपने आप को ये आराम से एडजस्ट कर लेंगे, नया आशियाना बना के अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि इन्हें अन्य अदर जगहों में रहने से खतरा बना हुआ होता है कि इंसान कब कहाँ जाए और ये वाइफ ले लें। ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे अपना जीवन आसानी से बिता सकेंगे, इनके लिए भी सेफ्टी, इंसान के भी लिए सेफ्टी है और इन्हें हम प्राकृतिक परिवेश में नेचर में रिलीज करते हैं। और हमारा जंतु बचाने का कार्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। और ये फॉरेस्ट में जा रहा है कितना खूबसूरती के साथ और अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा, देखने में अजगर जैसा दिखने वाला, काफ़ी खूबसूरत। और ये कितना खूबसूरती के साथ ये फॉरेस्ट में जा रहा है, और ये इंडियन रसल स्वाइपर स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश में नेचर में जा चुका है, फॉरेस्ट में जा चुका है। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।